कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग कर रहे 500 दावेदारों को पहले ही राउंड में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बावजूद अब भी मैदान में 500 दावेदार शेष बचे हुए हैं। आपको यहां बता दें कि कुल 1000 दावेदारों ने टिकट के लिए दावेदारी करते हुए आवेदन किया था। स्क्रूटनी समिति अभी बाकी के बचे हुए 500 दावेदारों की लिस्ट में भी छटनी करेगी। आपको बताएं कि उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों के ऊपर टिकट की दावेदारी के लिए ये आवेदन किए गए थे, लेकिन 500 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए कमर कसी हुई तमाम राजनीतिक दलों ने, और साथ ही उत्तराखंड सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 1000 दावेदारों ने आवेदन किया था टिकट लेने के लिए, लेकिन उनमें से 500 को पहले ही बाहर कर दिया गया है। अब सिर्फ 500 दावेदार शेष बच गए हैं। स्क्रूटनी समिति ने यह फैसला लिया। 500 दावेदारों की लिस्ट में भी अभी छटनी करनी बाकी है, यानी जो 500 अभी दावेदार रह गए हैं उसमें भी छटनी की जाएगी। उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभा सीटों के ऊपर टिकट को लेकर ये जद्दोजहद चल रही है। स्क्रूटनी समिति ने अहम फैसला देते हुए पहले 500 दावेदारों को बाहर किया है, शेष बचे हुए 500 दावेदारों से भी छटनी की जाएगी, उसके बाद टिकट किसको कहां से मिलनी है ये निर्धारित किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि छटनी क्षेत्र को और कैंडिडेट को देखकर की जाए, ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक के ऊपर अपनी पैठ रखता हो, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रिझा सके। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तमाम स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस ने अब टिकट बंटवारे को लेकर माथापच्ची करनी शुरू कर दी है। 1000 दावेदारों ने आवेदन किया था टिकट के लिए, लेकिन उनमें से 500 दावेदारों को पहले ही बाहर कर दिया गया है। अभी बचे हैं 500 दावेदार, लेकिन उनमें से भी अभी छटनी करनी बाकी है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट के चयन के लिए जो मशक्कत है, माथापच्ची है, वो शुरू कर दी है कांग्रेस ने। कोई कसर नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। तमाम अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुड़े हुए हैं नेतागण, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं, और साथ ही साथ स्क्रूटनी समिति जल्द से जल्द दावेदारों की लिस्ट फाइनल करना चाहती है, इसलिए अब छटनी शुरू हो गई है। 1000 दावेदारों ने आवेदन किया था टिकट के लिए, लेकिन 500 को पहले ही बाहर कर दिया गया है। बचे हुए 500 दावेदारों में से भी अभी छटनी होनी बाकी है।